हेलो दोस्तों, आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस की जीत के बाद बदला आईपीएल 2023 के पूरे पॉइंट टेबल का हाल। तो बताएंगे आपको पूरे पॉइंट टेबल की जानकारी इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि आईपीएल का 51वां मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच में खेला गया, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इसी तरह गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए 227 रन 2 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बनाए। वही टारगेट का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 171 रन 7 विकेट के नुकसान पर पूरे 20 ओवर में बना सकी, जिसके बाद गुजरात टाइटंस ने 56 रनों से मैच को अपने नाम कर लिया। वही गुजरात टाइटंस की तरफ से शुभम गिल ने सबसे ज़्यादा 94 रन 51 बॉल पर बनाए। वही शाह ने 81 रन 43 बॉल में बनाए। हार्दिक पांड्या 25 रन 15 बॉल पर बनाकर आउट हुए। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से सबसे ज़्यादा रन क्विंटन डिकॉक ने बनाए 70 रन 41 बॉल में। वहीं दूसरे नंबर पर टाइले मेसर्स ने 48 रन बनाए। इस तरह गुजरात टाइटंस ने 56 रन से मैच को अपने नाम कर लिया, जिसके बाद पूरा पॉइंट टेबल बदला। तो चलिए आपको बताते हैं गुजरात की जीत के बाद आईपीएल 2023 के पूरे पॉइंट टेबल का हाल। पॉइंट टेबल में सबसे पहले नंबर पर गुजरात टाइटंस टीम है 16 पॉइंट के साथ। वहीं दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स टीम है 13 पॉइंट के साथ। तीसरे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स टीम 11 पॉइंट के साथ है और चौथे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स टीम 10 पॉइंट के साथ। पांचवें नंबर पर आरसीबी टीम 10 पॉइंट के साथ और छठे नंबर पर मुंबई इंडियंस टीम 10 पॉइंट के साथ। सातवें नंबर पर पंजाब किंग्स टीम 10 पॉइंट के साथ और आठवें नंबर पर केकेआर टीम 8 पॉइंट के साथ। नौवें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स टीम 8 पॉइंट के साथ और दसवें नंबर पर सनराइजर हैदराबाद टीम है 6 पॉइंट के साथ। इसी तरह से क्रिकेट की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।